प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज बीडवाना। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में जब आप लोग घर पर बैठे हैं और राज्य सरकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के हम सभी शिक्षकों की ये भावना है कि आपको घर बैठने के बावजूद भी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, तो वीडियो व्याख्यान आपके लिए राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर हम विषयगत तैयार कर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं अभी जो हमारे बीएससी प्रथम वर्ष के जो एडमिशन हुए हैं और जिन विद्यार्थियों ने जियोलॉजी ऑप्ट किया है या जिन्हें जियोलॉजी आवंटित की गई है, उनके बारे में, उनसे संबंधित भूविज्ञान जो उनके लिए एक नया विषय है, उस पर इस व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगा। मेरे जियोलॉजी सब्जेक्ट के बीएससी प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों, आपका एडमिशन होने पर आपको बधाई। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चूंकि भूविज्ञान आपके लिए एक नया विषय है, तो इस पे आपको इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से आपको मैं विषयगत जानकारी प्रदान करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो ऑफिशियल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जियोलॉजी को शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभी 11वीं और 12वीं में केवल कुछ स्कूलों में ही इसको चालू किया गया है, तो इसलिए ये आपके लिए एक नया विषय है। महाविद्यालय में जब आप आते हैं और पहली बार जब आपको जियोलॉजी पढ़ने का अवसर मिलता है, तो जियोलॉजी, जैसा कि शब्द जो है, जियोलॉजी यानी जियो यानी अर्थ और लॉजी यानी साइंस, तो ये एक अर्थ साइंस जो विषय है, जिसे हम हिंदी में भूविज्ञान कहते हैं, उसके बारे में आपको इस पहले व्याख्यान में विषयगत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, 3 साल के आपके डिग्री कोर्स में आपको हर वर्ष जियोलॉजी की 3 ब्रांचेज पढ़ाई जाएगी। बीएससी प्रथम वर्ष में 3 पेपर जियोलॉजी के, सेकंड ईयर में 3 पेपर और थर्ड ईयर में भी 3 पेपर आपको जियोलॉजी के पढ़ने हैं। बीएससी प्रथम वर्ष में आपको फिजिकल जियोलॉजी पहला पेपर, दूसरा पेपर पैलेंटोलॉजी और तीसरा पेपर क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरोलॉजी पढ़ाया जाएगा। फिजिकल जियोलॉजी में विद्यार्थियों आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के बनने की कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं, पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानें कितनी प्रकार की है, पृथ्वी के ऊपर भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, पृथ्वी के ऊपर नदियां, ग्लेशियर्स, ये जो वायु पवन, ये किस प्रकार से एक फिजिकल एजेंसीज के रूप में काम करते हैं और इनसे किस तरह से अपरदन, परिवहन और निक्षेपण से कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, ये तमाम जो इस तरह के टॉपिक्स है वो आपको फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। इसी तरह से पृथ्वी की आयु, जो कि हम सब लोग जानते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष की आकी गई है इसकी आयु, तो पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को हम एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस तरह से समाहित करते हैं, ये सारी चीजें आपको फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ाई जाएगी। विद्यार्थियों, जो दूसरा पेपर है जिसे हम जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं, उसमें जीवाश्म से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। यहां जो बीएससी प्रथम वर्ष में 2 स्ट्रीम्स जो मैथमेटिक्स से आते हैं और एक बायोलॉजी से आते हैं, जो विद्यार्थी बायोलॉजी से आते हैं उनको जरूर पता होगा जीवाश्म क्या होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से जो बच्चे आते हैं, हालांकि उनको भी जीवाश्म की परिभाषा निश्चित रूप से आती होगी, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा ये सब्जेक्ट हल्का सा टफ पड़ता है, क्योंकि वो मैथ्स स्ट्रीम से आते हैं, जबकि बायोलॉजी वाले स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं उनको जूलॉजी बॉटनी पढ़ के आते हैं, तो वहां जो बायोलॉजी में पढ़ के आते हैं उसका फायदा निश्चित रूप से पैलेंटोलॉजी में उनको होगा। लेकिन फिर भी पैलेंटोलॉजी एक नया विषय है, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन क्यों करते हैं, जीवाश्म किस परिस्थितियों में बनते हैं और जीवाश्मों का अध्ययन क्यों आवश्यक है और कितने प्रकार के जीवाश्म होते हैं, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, माइक्रोफॉसिल्स,
इस तरह से जो जीवाश्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, उसको जीवाश्म को प्रिजर्व होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, ये तमाम इश्यूज जो है वो पैलेंटोलॉजी में आपको पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों, तीसरा पेपर जो आपका होगा वो क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी का होगा। भूविज्ञान में खनिज की महत्ता को हम भली भांति जानते हैं, जो मिनरल्स हैं उससे पूरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री चलती है। तो ये मिनरल्स या खनिज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सी चट्टानों में किस तरह से पाए जाते हैं, कौन से खनिज कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, और इन खनिज की क्या परिभाषा है, इन खनिजों का फिजिकल इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसी तरह से क्रिस्टल क्या होता है, एक क्रिस्टल की परिभाषा और क्रिस्टल के कितने सिस्टम हैं, उनमें क्रिस्टल में किस तरह का लैटिस होता है, किस प्रकार की एक्सिस होती है, सिमेट्री कितने प्रकार की क्रिस्टल्स में पाई जाती है, ये तमाम चीजें क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से बीएससी प्रथम वर्ष में भूविज्ञान के तहत आपको भौतिक भूविज्ञान यानी फिजिकल जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान, और तीसरा विषय क्रिस्टल और खनिज विज्ञान जिसे हम क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी कहते हैं, इन तीन विषयों के आपको तीन पेपर में विभिन्न टॉपिक्स पर आपको जानकारी दी जाएगी। विषय नया जरूर है, लेकिन आपने निश्चित रूप से आपकी जो विज्ञान की कक्षाओं में 9th, 10th, 11th, 12th में जो कुछ पढ़ा, बहुत इनिशियल स्टेज पे पढ़ा, जैसे कि आप पढ़ के आए हैं कि चट्टाने तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित, आपने वहां पे भी पढ़ा होगा खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों में भी जैसे धात्विक खनिज होते हैं, आधात्विक खनिज होते हैं, कुछ जैम मिनरल्स होते हैं, कुछ सीमेंट इंडस्ट्री में काम आते हैं, तो इस तरह से खनिजों का भी अलग अलग वर्गीकरण है। जीवाश्म क्या होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, जो पृथ्वी की आयु हमने आपको बताई अभी जैसे 4.6 बिलियन ईयर्स, तो ये इतना लंबे समय तक जो अभी तक का समय बीता है उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करें, तो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जरूरत पड़ी, तो वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसी तरह से पृथ्वी के अलावा जो और दूसरे ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके सैटेलाइट्स हैं, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में और भी जैसे चीज हैं, धूमकेतु हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, ये तमाम जानकारियां फिजिकल जियोलॉजी में आपको दी जाएगी। विषय नया जरूर है लेकिन बहुत कठिन नहीं है, इसके कुछ प्रीलिम्स आपने आपके स्कूली शिक्षा में पढ़ के आए हैं, उसका विस्तार रूप से एक भूविज्ञान अलग शाखा के रूप में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई नया विषय नहीं है, और जानकारियां भी ऐसी होगी जो हम आसपास के जीवन में देखते हैं, उससे जब आपको लगेगा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, भूकंप के बारे में आप पहले से भी पढ़ के आए हैं, ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ के आए हैं, तो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी के प्रकार, भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप से क्या नुकसान होते हैं, तमाम चीजें आपको भूविज्ञान में पढ़ाई जाएगी। नया विषय जरूर है लेकिन आपके लिए उपयोगी है, और निश्चित रूप से आपको जब पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, और हम भी कोशिश करेंगे नया विषय होने के बाद आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको लगे नहीं ये तो हमको सब कुछ आ रहा था। तो इस तरह से नया विषय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आपको ये विषय इंटरेस्टिंग लगे और आने वाले उसमें आपको विषयगत जानकारियां प्रदान की जाएगी। कोविड के इस दौर में आप घर पर सतर्क रहें, जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें बहुत सावधान रहना है, कोरोना से डरना नहीं है लेकिन उससे मुकाबला करना है। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, मास्क अभी है जरूरी, 2 गज की बना के रखें दूरी, बार बार सैनिटाइजेशन करें, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनकी पालना करें, और हम जो आपको ई प्लेटफॉर्म पर जैसे कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर और राजकीय बागड़ महाविद्यालय डीडवाने के यूट्यूब चैनल्स पर जो भी जानकारियां आपको ई कंटेंट्स के रूप में, वीडियो व्याख्यान के रूप में, पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराएं, उनका घर बैठे अध्ययन करें। ऐसे वीडियोस जो आपको विषयगत जानकारी के रूप में यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं उनको देखें, सुने, पढ़ें, समझें, और जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे उनका उत्तर निश्चित रूप से देकर घर बैठे अपने पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।